बीजेपी के लोग नारा देते थे कि 75 बार इतने बार, दीपेंद्र हुड्डा क्या कहना चाहेंगे, क्या नारा देंगे हरियाणा में? कांग्रेस का बहुमत आएगा ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। हुड्डा साहब, लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में आप जा चुके हैं, हिसाब मांग रहे हैं, क्या बीजेपी वालों ने हिसाब दिया? मैं नायब सिंह का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी तुलना तारों से तारे से करने हैं। एक नारा बार बार गूंज रहा है कि अब की बार हरियाणा की जनता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जो इस तरह की बातें की जाती हैं, कभी ये कोई, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों का औचित्य नहीं, हरियाणा का भला होना चाहिए, हरियाणा का भला होगा बदलाव से। किरण चौधरी कहती हैं कि 20 साल में मुझे कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया और बीजेपी ने मेरा मान सम्मान रखा राज्यसभा सांसद बना के। भाषा थोड़ी दिन बाद देखेंगे, चुनाव के नतीजे आ जाए फिर उनकी भाषा देखेंगे। लोग हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से देखते हैं, क्या फूट डालने की कोशिश की जा रही है या फिर वास्तव में ऐसा कुछ? फूटबाजी और इस तरह की जो बातें बीजेपी वाले कहते हैं वो पुरानी बातें कहते हैं। उप मुख्यमंत्री को छोड़कर लगातार विधायक चले गए, उनका जनाधार समाप्त हो गया उस पार्टी का। रोहतक से लोकसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा साहब, लगभग 41 से ज़्यादा आप हरियाणा की विधानसभा कर चुके हैं और 9 रोहतक की अलग अलग विधानसभाएं कर चुके हैं, तो ऐसे में 50 जो विधानसभाएं अभी तक की है, कैसा रुझान देखने को? बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है पूरे हरियाणा कोने कोने में, हर वर्ग बीजेपी की सरकार से त्रस्त है, हर वर्ग ने निर्णय ले लिया है। और आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी, आपने देखा नतीजा, देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिला जी। और हर सीट पे मिला जी। हर विधानसभा क्षेत्र में मिला, हर बूथ पे कांग्रेस के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। सबने एक फैसला, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा की अगर हम माने तो बीजेपी के लोग नारा देते थे कि 75 बार इतने बार, दीपेंद्र हुड्डा क्या कहना चाहेंगे, क्या नारा देंगे हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत के साथ हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जितनी उम्मीद है उस सारी उम्मीदों से ज़्यादा कांग्रेस का बहुमत आएगा, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। हुड्डा साहब, लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में आप जा चुके हैं, हिसाब मांग रहे हैं, क्या बीजेपी वालों ने हिसाब दिया? आप बताओ, वो तो अपना जो है, आज मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी, वो तारा और सितारा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल जी तारे हैं और दीपेंद्र हुड्डा सितारे हैं। लेकिन ये तो बात जो है सर्वविदित सत्य है कि तारा और सितारे तो हमेशा चमकते हैं, वो तो ब्रह्मांड में उनकी चमक तो कभी तारे और सितारे की चमक तो कभी फीकी हुई नहीं। तो मैं नायब सिंह का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी तुलना तारे और सितारे से करने हैं। दीपेंद्र जी, आमतौर पे हमने भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र आपके कवर किए हैं, वहाँ पे एक नारा बार बार गूंज रहा है कि अब की बार हरियाणा की जनता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। कोई हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी, हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, कांग्रेस कार्यकर्ता मेरे ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से, सभी मेहनत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से सरकार बनने जा रही है। जहां तक जो इस तरह की बातें की जाती हैं, कभी ये कोई, मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों का औचित्य नहीं है, मैं सांसद हूँ और मेरा कोई लक्ष्य कभी भी जीवन में किसी पद के लिए प्राप्ति के लिए नहीं रहा है। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ कि लोगों ने इतने बड़े बहुमत से देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत, छोटा सा हरियाणा लेकिन मत प्रतिशत में देश में दूसरी सबसे 64% मत के साथ देश की दूसरी बड़ी जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों ने आशीर्वाद इतना दिया, तो मैं समझता हूँ कि लक्ष्य मेरा तो आज इस पूरे अभियान में सिर्फ एकमात्र एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा का भला होना चाहिए, हरियाणा का भला होगा बदलाव से, हरियाणा भाजपा सरकार जाए, कांग्रेस सरकार आए, हरियाणा विकास के मामले में आगे बढ़े। जेपी दलाल के द्वारा एक बयान दिया गया और ये कहा गया कि भले ही कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी सरकार बना ले, लेकिन 6 महीने बाद दिल्ली के जो आला कमान बैठा हमारा वो अपने आप देख लेगा। तो देख लें, वो हिमाचल में देखा था, हुड्डा साहब की जो जिम्मेदारी लगी थी वहाँ ऑब्जर्वर के रूप में, वहाँ तो इनकी सारी दिल्ली की आला कमान चित पाई, हिमाचल में सरकार चल रही है, जेपी दलाल को चुनौती देते हैं, चूको दिखाएं। वहीं अगर हम बात करें किरण चौधरी की, तो किरण चौधरी कहती हैं कि 20 साल में मुझे कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया और बीजेपी ने मेरा मान सम्मान रखा राज्यसभा सांसद बना के। देखते हैं, अभी थोड़े दिन के बाद इनकी भाषा देखेंगे,
उनकी 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 भाषा थोड़ी दिन बाद देखेंगे, चुनाव के नतीजे आ जाएं फिर उनकी भाषा देखेंगे। अच्छा एक बात और, बीजेपी के लोग हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से देखते हैं, क्या फूट डालने की कोशिश की जा रही है या फिर वास्तव में ऐसा कुछ है? कांग्रेस में कोई मैं समझता हूँ कि गुटबाजी और इस तरह की जो बातें बीजेपी वाले कहते हैं वो पुरानी बातें कहते हैं। आज कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है, धरातल पे लोग कांग्रेस के साथ एकजुट है, तभी तो लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत 47.6% मत आया कांग्रेस का हरियाणा में। और अगर गुटबाजी कहीं है, भयंकर गुटबाजी, और अगर कहीं भीतरघात और गुटबाजी की अगर रिपोर्ट किसी के FIR कहीं कट रही है किसी मुख्यालय पर, तो बीजेपी के मुख्यालय पर कट रही है। आप पता करें रंजीत चौटाला जी क्या कह रहे हैं, आप पता करें उन्होंने क्या कहा कि जब हिसार का चुनाव हारे तो उनकी कितनी मदद कैप्टन अभिमन्यु ने करी थी, कितनी कमल गुप्ता जी ने करी थी, कितनी मदद उनकी रणवीर गंगवा जी ने करी थी। आप पता करें अरविंद शर्मा जी क्या कह रहे हैं, कितनी मदद उनकी मनीष ग्रोवर जी ने करी थी, कितनी मदद उनकी धनखड़ साहब ने करी थी, कितनी नरेश कौशिक जी ने करी थी। ये आप थोड़ा चेक करें कि धनखड़ साहब का भी चेक करें कि धनखड़ साहब जो हटाए गए अध्यक्ष से वो क्या कौन से गुट में थे जो हटाए गए, क्या परिस्थितियाँ बनी। आप जब चेक करें किशनपाल गुर्जर जी से, आप चेक करें धर्मवीर जी से, आप चेक करें रावइंदर जी जी से, उन्होंने क्यों कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया चुनाव में। तो ये गुटबाजी की जो सारी रिपोर्ट आ रही है ये बीजेपी के साथ आ रही है। बीजेपी का अंतर्कलह अब जो है इतनी तीव्रता से लोगों के सामने आ गया है कि मीडिया भी उसको छुपाना चाहे तो छुप नहीं पा रहा। उप मुख्यमंत्री को छोड़कर लगातार विधायक चले गए, उनका तो जनाधार समाप्त हो गया उस पार्टी का। हमने पहले ही कहा था कि दो ही मुकाबले हैं, एक सत्ता पक्ष कांग्रेस के साथ और दूसरा JJP और INLD का मुकाबला प्रदेश में है नोटा के साथ। अंतिम सवाल, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही आपका क्या लक्ष्य रहेगा, किस हरियाणा की जनता को आप क्या देना चाहेंगे? कांग्रेस के हमारे संकल्प हैं हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। 6000 बुढ़ापा पेंशन, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा में जो हमारे कमर तोड़ महंगाई है उसकी कमर तोड़ते हुए बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसानों को MSP की गारंटी, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम और मकान की स्कीम, और मेट्रो जो मैंने आज कही बात कि हरियाणा में संभावना है कि देश में सबसे ज़्यादा मेट्रो से कनेक्टेड अगर कोई प्रदेश हो सकता है पूरे देश में तो हरियाणा हो सकता है। दुर्भाग्य की बात है, इसी में आप बीजेपी की कार्यकाल समझ जाएंगे। इसी का हिसाब दे दें नायब सिंह जी, हमारी सरकार थी तो हमने 81 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण किया था, आप समझ सकते हैं, 4 शहरों को जोड़ा था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भादुगढ़ जी। 10 साल में आप 1 किलोमीटर छोड़िए, 1 इंच या 1 खंभा भी मेट्रो का क्यों नहीं बनाया इस सरकार ने 10 साल। एक पीढ़ी जो है मैं समझता हूँ कि आज नुकसान एक पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। इन्हीं की सरकार UP में है, मेट्रो कैसे नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुँच गई, कैसे गाज़ियाबाद से मेरठ तक RRTS का पहुँच गया, लेकिन हरियाणा के अंदर 1 इंच भी मेट्रो नहीं 10 साल में। हरियाणावासी मैं समझता हूँ इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, और हमारा भी एक संकल्प ये है कि देश में सबसे ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो हरियाणा में, युवाओं को पलायन ना करना पड़े हरियाणा से। विदेशों में आज डोंकी के रास्ते और कहाँ कहाँ जा रहे हैं नौजवान नशे में, देश में सबसे नंबर 1 हरियाणा जो बन गया है बेरोजगारी में, तो युवाओं को हरियाणा में विश्वस्तरीय शिक्षा और विश्वस्तरीय रोजगार के अवसर मिलें, और पलायन करना पड़े तो अपराधियों को और बदमाशों को पलायन करना पड़े ताकि अमन चैन सुख शांति का राज, बिल्कुल, ताकि अमन चैन सुख शांति का राज कायम हो जी। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जो लोग कांग्रेस पार्टी में फूट की बात करते हैं वो खुद पहले अपने गिरेबान में झाके, अपने घर में झाके, तो उनको पता चल जाएगा कि आखिरकार फूट कहां पर है। इससे भी ये कदम आगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी का धन्यवाद किया जिन्होंने चांद सितारा बताया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का लगातार जो जनाधार बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बदलाव की लहर देखने को मिल गई। अब देखना यह होगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है और आने वाले 2024 के चुनाव में किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष व अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।